प्रतीक के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या प्रतीक को नीचा गिराने की कोशिशें की जा रही हैं? कौन कर रहा है प्रतीक के लिए इस तरह की साजिशें? क्यों फैंस को आया है गुस्सा? क्या है पूरी खबर, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो अचानक प्रतीक ने एक ट्वीट किया और सब ये बात कर रहे हैं कि प्रतीक इस तरह से क्यों ट्वीट कर रहा है। प्रतीक ने लिखा, भाई मैं क्या बोलूं, मैं हार्डवर्किंग हूं एंड मैं जो है आई बिलीव इन लिफ्टिंग पीपल अप, कर दो मुझे ओवर शेडो, मेरी किस्मत और मेहनत का हकदार तो मैं ही रहूंगा ना। दरअसल फैंस ने आज सुबह सुबह कुछ मीडिया हाउस के स्क्रीन शॉट शेयर किए जिसमें जो गाना आज उनका आया है तू लौट आ उसके बारे में लिखा गया है, जिसमें इन मीडिया हाउस में 3-4 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें एक बात कॉमन है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो कशिका है उन्होंने प्रतीक को ओवरशैडो कर दिया है इस गाने में। एक ने तो ये तक दावा कर दिया कि प्रतीक ने एक दिन पहले तक कोशिश की कि वो कशिका का रोल जो है वो एडिट करा दे, और लेकिन टीम ने बता दिया कशिका को और उनका रोल एडिट नहीं हुआ। तो ये दावा किया गया है कि प्रतीक जो है रोल एडिट कराते हैं। तो अब जैसे ही खबर सामने आई और फैंस गुस्सा कर रहे हैं कि ये किस तरह का जो है उनकी को एक्ट्रेस का पीआर है, हालांकि ये उनकी को एक्ट्रेस के पीआर का काम है या वाकई में सभी मीडिया हाउस ने एक कॉमन बात लिख दी है, ये वाकई इस बात का दावा फिल्म विंडो नहीं कर सकता। लेकिन फैंस इस बात को लेकर काफी नाराज हुए। एक लिखता है कि यार इट्स रियली सैड टू सी सच पोस्ट फ्रॉम द पीआर ऑफ योर को एक्ट्रेस प्रतीक नेल टू लौटा। तो अब जो है फैंस ये दावा कर रहे हैं कि प्रतीक ने बहुत अच्छा काम किया और यकीन मानिए प्रतीक अपने हर प्रोजेक्ट से बहुत ग्रो हो रहा है। तो जब ये सारी चीजें सामने आई और प्रतीक का भी जब इस पर ध्यान गया तो उसने यही रिप्लाई किया कि यार मैं क्या कर दूं, मेरी किस्मत का लिखा तो कोई और ले ही नहीं सकता ना, तो मैं अपनी मेहनत का हकदार हूं, जो मैंने मेहनत करूंगा मुझे वो मिलेगा ही। तो अब प्रतीक ने जब इस पर रिएक्ट किया तो लोग ये कह रहे हैं कि प्रतीक बहुत हम्बल है इन नेगेटिव चीजों पर भी, जिस तरीके से उसने पॉजिटिव रिप्लाई किया है और जिस तरीके से हम्बल तरीके से रिप्लाई किया है वो वाकई में लोगों का दिल जीत रहा है। लेकिन क्या आपको भी गाना देखकर ये लगा कि प्रतीक को ओवरशैडो किया गया है? और यकीन मानिए इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स के हाथ में इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी का रोल एडिट करा सके, तो ऐसे में जब प्रतीक के बारे में लिखा जा रहा है तो इस पर किसी भी तरीके से यकीन वाकई में नहीं किया जा सकता। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।